ग्रुप पिक्चर की ये तस्वीर ऑस्ट्रिया के ओलंपिक दल की है जो 2014 सोची शीतकालीन ओलंपिक खेल में अपनी धूम मचाने को बेताब है। ऑस्ट्रिया पहली बार इन खेलों में 130 सदस्यों के लंबे चौड़े दल के साथ भाग लेगा। दल में शामिल खिलाड़ियों को भरोसा है कि भले ही उनके पास बड़े नाम बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन हौसला किसी से कम नहीं है। खिलाड़ी मान रहे हैं कि बढ़ा हुआ आत्मविश्वास उनके लिए शीतकालीन खेल के दौरान प्लस पॉइंट के रूप में काम आता रहेगा। मुझे पता है कि मैं हॉट फेवरेट नहीं हूं, जो कि आज से कुछ साल पहले हुआ करता था, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि मैं इस बार कामयाब रहूंगा। ये बात जरूरी है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। ये मेरे अंदर है जो मुझे सफलता की ओर पहुंचाए। देखिए, मेरा लक्ष्य अपने खेल पर केंद्रित है। मैं खेल का आनंद उठाऊंगी और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। वैसे ऑस्ट्रिया की टीम का स्कीइंग के खेल में दबदबा रहा है, बावजूद इसके 2014 के वैंकोवर शीतकालीन खेल में पुरुषों की स्कीइंग टीम ने एक भी पदक हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में इस बार दबाव पुरुषों की टीम पर बेहतर प्रदर्शन करने का है। हालांकि ऑस्ट्रिया में खेलों के जानकार मान रहे हैं कि इस बार स्कीइंग के खेल से कम अकेले 16 पदक आ सकते हैं, और इस कड़ी में सबसे ज्यादा उम्मीद अल्पाइन स्कीइंग के खेल से जुड़े मार्सेल हिर्शर से है, जो फिलहाल इस खेल में टॉप पर चल रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।